स्टूडेंट्स, हम इस लेसन में जो है न्यूटन का सूत्र है, अग्रगामी सूत्र, उसे हम पढ़ेंगे। इस सूत्र की जरूरत जो है हमें उसमें पड़ेगी जब हम इंटरपोलेशन करेंगे, अंतर्वेशन करेंगे तब तो। लेकिन कुछ सवाल इसकी इस एक्सरसाइज में भी है। एनवा सूत्र जो है आपका डेल्टा फंक्शन ऑफ ए बराबर ही होता है e-1 फंक्शन ऑफ ए, मतलब डेल्टा का e-1 होता है, तो ये आ गया आपका, ये आ जाएगा। अब e पर f, f पर e लगाएंगे तो f फंक्शन a प्लस h माइनस f। इसी तरह डेल्टा 2 तो e-1 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि आप ऑल स्क्वायर खोलते तो ये बनेगा। फिर आप f पे लगाओ तो e की 2 घात, तो ये आपका ए प्लस 2h हो जाएगा। तो ई संकारक को जानते हैं, वो जितना उसकी घात है उतने ही h बढ़ा देता है चर में, और ये एक ई है तो ये ए प्लस h आएगा, एक है वहां। इसे 3 लेंगे तो 3 बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे इसका, e-1 की जाती है, और या ई क्यूब ऐसे आ जाएगा ये। इस पर एफ फंक्शन ए पर लगाएंगे इसे, ई क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3a-3e-1, तो ये आपका ये आ जाएगा। ये व्यापक रूप में आप देखें तो डेल्टा की घात एन e-1 की घात एन ये होगा आपका, तो इसका एक्सपेंशन बाइनोमियल से करेंगे तो आपका पूरा ये बनेगा, NC1 NC2 इस तरह से, क्योंकि -1 है पीछे तो अल्टरनेट चिन्ह चलेगा, -1 प्लस -1 और लास्ट में -1 की घात एन रह जाएगा। इस पर ई लगाएंगे संकारक सभी जगह, तो ये आपको ये बनेगा, पहले में एफ फंक्शन ए किसका, ए प्लस एन एच का, इसी तरह से एनसी में ए प्लस एन माइनस 1h का, और लास्ट में आपका फंक्शन ऑफ ए ही आएगा -1 की। अग्रगामी अंतर सूत्र जो है आपका वो इस तरह से है कि आप फंक्शन ऑफ ए प्लस एन एच का बराबर होता है फंक्शन ऑफ ए प्लस NC1 डेल्टा। ये तो इसमें जो है हम क्या करेंगे कि अब ये जो है ये वास्तव में फंक्शन ऑफ ए पर हमने ई संकारक लगाया है, ई आते हैं, तो अब क्या होगा, ई का मान 1 प्लस डेल्टा, उस पर एन घात 1 प्लस डेल्टा का एन घात का हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो प्रसाद, तो वो ये बन जाएगा। फिर हम एफ ए को जो फंक्शन ऑफ ए से भीतर लाएंगे कोष्टक के अंदर, तो आपको ये आ जाएगा। और वास्तव में यही हमारा जो है अग्रगामी अंतर सूत्र है। अगर हम फंक्शन एफ एक्स जो एफ ऑफ एक्स है इसे बाई एक्स लें तो आपका ये आ जाएगा, मतलब जहां जहां फंक्शन एफ लिख रहे हैं वहां बाई आ जाएगा, जो हमारे कोष्ठक सिंबल है वो उसके सफिक्स में आ जाएंगे, ऐसे बिल्कुल वही है पूरा। अब एक अंतर सारणी देख लें, आपने जो है ये मान दिए हुए हैं चर एक्स के और फंक्शन के मान ये हैं, तो हम अंतर सारणी कैसे बनाते हैं, हमें जैसे डेल्टा पहला अंतर निकालना है फंक्शन ऑफ एक्स का, तो हम क्या करेंगे, इस 3 में से 0 घटाएंगे 3 आएगा, और इन दोनों के बीच में से लिखेंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, 15 में से 8 घटाएंगे 7, 24 में से 15 घटाएंगे 9, और 35 में से 24 घटाएंगे क्या है। अब दूसरा अंतर निकालें तो 5 में से 3 घटाएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे, और 9 में से 7 घटाएंगे, 11 में से 9 घटाएंगे, तो ये आ जाएंगे। और फिर तीसरा अंतर निकालें तो ये आ जाएंगे, 2 में से 2, 2 में से 2, 2 में से 2 और 0, ये आपने माना भी। अब इस पर जो हम अग्रगामी सूत्र लगाएंगे तो देखो क्या आएगा, अग्रगामी सूत्र से ये आपने लगाया फंक्शन ऑफ ए प्लस NC1 NC2 और NCN, और डेल्टा जितने भी जितने आपके नीचे है ना उतना ही डेल्टा है आपका। अब देखें ए बराबर आप 0 लें और एच बराबर 1 लें और एन की जगह जो एक्स लें, तो क्या हुआ आपका फंक्शन ऑफ एक्स, ये हम क्या एक बहुपद बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसे बन जाएगा आपका ये है ना, तो आपका ये बन जाएगा उस साड़ी से, देखो तो अब क्या होगा, ये बन जाएगा उसमें डेल्टा क्यूब जो है डेल्टा 3, ये आपका 0 है तो ये 0 हो जाएगा। XC2 ये इसका मान है, एफ डेल्टा साड़ी देखा डेल्टा यहाँ तक है, डेल्टा डेल्टा इस तक है 2 तक, तो देखिए आपको यहाँ डेल्टा 2 तक माने। अब f फंक्शन ऑफ 0 इसका मान 0 है पहला मान, देखें आप फंक्शन ऑफ 0 मतलब 0 पहला मान है, आप ये पहला अंतर पे जो 3 0 पर 3 मान है, दूसरे अंतर का मान 2 है, तो ये जो मान है हम उसमें रख देंगे अग्रगामी सूत्र में।
ये हमने यहाँ रखे, पहला जीरो फिर तीन मान है इसका, और ये f जो है जीरो पर दूसरा आंसर, ये दो मान है, और ये एक्स सी टू एक्स एक्स माइनस वन टू और एक्स सी वन एक्स, तो ये हम हल करने पर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब क्रम गुणितफल क्या होगा? आपने एक संख्या ली एक्स और इससे आप एक्स का अंतर करते करते एन माइनस वन पदों का और गुणा करेंगे, एक तो एक्स ही होगा आपका और एन माइनस वन पद और होंगे जिनमें कि एच का अंतर होता जाएगा, उनके गुणनफल को जो क्रम गुणित फलन कहते हैं जिसे, और इसे एन जो हमारा एक धनपूर्णांक होगा और इसको हम व्यक्त करते हैं एक्स, इसे कोष्टक में लिखते हैं एन को, तो हम इसे कहते हैं क्रम गुणित फलन, एक्स का क्रम गुणित फलन। तो इसका मान होगा एक्स से शुरुआत करेंगे, एच घटाया एक और एच घटाया तो एक्स माइनस टू एच हो गया, इसी से एक्स माइनस थ्री एच हो जाएगा, कहां तक घटाएंगे एन माइनस वन एच तक, एक्स में से एन माइनस वन एच घटाया लास्ट में, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ये, अगर एच का मान एक ले ले तो एच हट जाएगा सभी जगह से, एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स एन माइनस वन, अगर ऊपर नीचे हम एक्स के माइनस एन का फैक्टोरियल गुणा करें ऊपर नीचे, तो जो ये पूरा एक्स का फैक्टोरियल बन जाएगा ऊपर और नीचे जो एक्स माइनस एन का फैक्टोरियल, तो ये हमारा जो है फॉर्मूला होगा क्रम गुणित फलन है, एक्स के क्रम गुणित फलन का जिसका मान ऊपर एन है। तो अगर हम इसका पहला अंतर निकालें, हम देखो अब क्या है इसके क्रम गुणित फलन का अंतर निकालेंगे, पहला दूसरा और एन का, तो पहला अंतर निकालें तो देखो एक्स प्लस एच का जो है एक्स प्लस एच का एन वा क्रम गुणित फलन है ये एक्स का, तो ये एक्स प्लस एच हो जाएगा डेल्टा से एक्स प्लस एच की एक्स प्लस एच क्रम गुणित फलन है माइनस एक्स ये क्रम गुणित। अब आप देखो इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस एच से शुरुआत करेंगे, एक्स प्लस एच से और एक्स प्लस एच से लेकर के आपके कहां तक घटता जाएगा एन माइनस वन एच तक, एक्स प्लस एच में से, तो हमने एक्स प्लस एच में से एच घटा तो एक्स रह गया, एक्स में से फिर एक और एच घट गया तो एक्स माइनस एच, कहां तक जाएगा एक्स प्लस एच में से घटते घटते एन माइनस वन एच तक, ये आपके एक्स का क्रम गुणित फलन ये आया एक्स एक्स माइनस एच और ये एन माइनस वन एच तक। अब देखो इन दोनों जगह से कॉमन क्या बन रहा है, आप यहां देखो एक्स है, यहां से एक्स से लेकर यहां तक, कहां तक ये एन माइनस वन एच नहीं आएगा, यहां देखो यहां ये जो है आपका एक्स माइनस एन माइनस टू एच है ये, क्योंकि आप देखें ये से एच को इसमें ले जाएंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस प्लस एच है ये, तो प्लस एच और प्लस एच प्लस टू एच हो गया, जब हम इसे यहाँ माइनस लगा के लिखेंगे तो ये आ जाएगा, देखो आपको एक्स माइनस एन माइनस टू एच ये आपका कॉमन रहेगा, तो यहाँ तो बचेगा ये एक्स प्लस एच और यहाँ बचेगा ये लास्ट वाला पद एक्स माइनस एन माइनस वन बार एच। अब देखो इसमें से कटाएगा एक्स से एक्स कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा और रहेगा आपका एन एच, ये एन एच, ये एक्स एक्स माइनस एच और एक्स माइनस एन माइनस टू बार एच तक और एन एच, ये आपका पहला अंतर है। इसी प्रकार हम दूसरा अंतर निकाले तो डेल्टा डेल्टा एक्स क्रम गुणित फलन एक्स का, ये क्रम गुणित फलन है, आप देखें ये एन एच और डेल्टा हमने ये लिखा है, मतलब डेल्टा एक्स ये पहला वाला मान रख दिया यहाँ से, ये मान हमने रख दिया एक से ये यहाँ ये रख दिया। अब आप इसका अंतर निकाले देखो क्या होगा, डेल्टा क्या करेगा पहले इनमें एच जोड़ देगा सभी जगह, एच जोड़ देंगे ये सभी जगह, यहाँ इनमें एच जोड़ गया जहां भी एक्स है, फिर इसको घटा देंगे ये आपको घटा दिया डेल्टा की तरफ, अब वापस फिर कॉमन लेंगे तो देखो एन एच जो है भाई तुमने बाहर निकाल लिया, इन दोनों में से कॉमन या एक्स से लेकर यहां तक एक कम पद तक जाएगा क्योंकि ये कॉमन नहीं बनेगा इस एक्स से लेकर के और एन माइनस थ्री तक, तो यहां से तो बचेगा एक्स प्लस एच और यहां से बचेगा ये एक्स माइनस एन माइनस टू का एच, तो आपका डेल्टा टू एन एच ये है और यहां से क्या बनेगा एक्स एक्स कट जाएगा, यहां से बनेगा आपका एन माइनस वन एच, क्यों ये प्लस का एच है इसमें से ये जो माइनस टू एच है इनमें से एक एच कट जाएगी, आपका क्या रहेगा एन माइनस वन, एक्स एक्स तो कट ही गया एच एक ही है, यहाँ कितने एच हैं एन माइनस टू एच, अब ये देखो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, एन माइनस टू एच है एन माइनस टू एच में से एक प्लस का चला जाएगा तो एन माइनस वन एच रहेगा ये, और ये कॉमन एक्स एक्स ही, बस आप देखें ये यहां से लेके यहां तक क्या है, ये एक्स का
कितना है, कितना कम तक जा रहा है, एक कम तक जाता है, तो ये n माइनस थ्री तक जा रहा है, तो आपका ये n माइनस टू बा n माइनस टू से क्रम गुणित फलन निकलेगा, n से न निकल के n माइनस टू तक, n माइनस वन तक जाएगा तो n से दर्पणांग n से क्रम गुणित फलन निकलेगा, लेकिन ये n माइनस थ्री तक जा रहा है तो आपका n माइनस टू से निकलेगा क्रम गुणित फलन x का, तो यहाँ x इस पे जो हम लगा देंगे n माइनस टू क्रम गुणित फलन, ये जो आपका क्वेश्चन। इसी प्रकार आप n माइनस वन वन अंतर निकालेंगे तो वो आएगा ऐसे जाएगा n n माइनस वन और देखो h h ऐसे उतनी हो जाएंगे जितनी अंतर निकाला मैंने, तो टू तक पहुंच जाएगा और h या n माइनस वन और आपका लास्ट में रह जाएगा x में से, देखो n माइनस वन घटाएंगे यहाँ n में से तो h x की जाते ही रह जाएगी, फिर इसका अंतर निकालेंगे वापस हमें डेल्टा n x है, x क्रम गुणित फलन है, x का क्रम गुणित फलन का n मान अंतर निकालेंगे तो ये और x का अंतर ये आएगा, x प्लस एच माइनस एक्स ये हो जाएगा, x x कट जाएगी h और ये आपका ये आ जाएगा, ये देखो यहाँ से h यहाँ आ जाएगा तो h ये टू और वन तक मतलब ये आपका n का पूरा फैक्टोरियल बन जाएगा और h हो जाएंगे n h जाते हैं, तो ये हमें क्रमगुणित फलन का n मान अंतर ज्ञात करने का तरीका आ गया।